आज की कहानी युकियो नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसके पास बचपन से ही वाटर ड्रैगन की पावर्स थी, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो ये कहानी बहुत पुराने टाइम से स्टार्ट होती है और हमें जानने को मिलता है कि समुद्र के बीच में चार आइलैंड हैं, जिनमें से तीन आइलैंड के ऊपर ह्यूमंस रहते हैं और वो जो बचा हुआ एक आइलैंड है वहाँ पर दो ड्रैगन रहते हैं, फायर ड्रैगन और वाटर ड्रैगन। वाटर ड्रैगन का काम लोगों को जिंदगी देना है और फायर ड्रैगन का काम उनसे जिंदगी लेना है। वो बुरे नहीं है, लेकिन ये उनका काम है। अब वक्त के साथ वाटर ड्रैगन अब कमजोर पड़ने लगा था, जिस वजह से फायर ड्रैगन की पावर बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसका खुद पर से कंट्रोल भी हट गया था और उसने बाकी तीन आइलैंड पर रहने वाले इंसानों को खत्म करना शुरू कर दिया था। इंसानों की गिनती इस दुनिया से बहुत तेजी से गिर रही थी, जो देखते हुए गैंडाल्फ नाम का एक आदमी आगे आया और उसने अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए अपनी पावर से वाटर ड्रैगन की रियल पावर को अवेकन किया, जिसके बाद वाटर ड्रैगन की पावर वापस आ चुकी थी और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। अब उस कहानी से कई साल बाद की कहानी स्टार्ट होती है और हम उन तीन आइलैंड में से एक आइलैंड का सीन देखते हैं, जहां अभी युकियो नाम का एक लड़का रह रहा था। उसके फादर का नाम मकोटो है और वो दूसरे और भी बच्चों को एज अ मास्टर ट्रेनिंग देते हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने एक और लड़के को सेलेक्ट किया है। इस लड़के का नाम जिंगी है और ये युकियो के बहुत करीब है। एक तरह से देखें तो ये दोनों बिल्कुल भाई की तरह हैं। युकियो अभी जिंगी से थोड़ा छोटा है, इस वजह से जिंगी युकियो का ख्याल भी रखता है। अब जब वो एक दिन खेल रहे थे, उसी दौरान जब जिंगी युकियो का हाथ पकड़ता है तो अचानक से युकियो का हाथ पूरी तरह से पानी में बदल जाता और वो जो पानी था वो धीरे धीरे जिंगी के आसपास इकट्ठा होकर एक बॉल क्रिएट कर रहा था। जिंगी ये देखकर हैरान था क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी वहां पर मकोटो आता है, जो कि डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए युकियो की जो वाटर एबिलिटी है उसकी पावर को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसकी वजह से अब वो वाटर बबल आसपास से हट गए थे और जिंगी और युकियो दोनों ही नॉर्मल हो चुके थे। यहाँ पर जिंगी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। इस वजह से मकोटो उसे बताता है कि युकियो के अंदर वाटर ड्रैगन की पावर्स है, लेकिन उसने अभी तक उन पावर्स को समझा नहीं क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है अभी, और इस पावर को अवेकन करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। वैसे यहाँ पर मकोटो जिंगी से ये बात छुपाने को कहता है, यहाँ तक कि जो उनके दो बड़े भाई है जिसका नाम हारू और इबुकी है, उन्हें भी ये बात नहीं बतानी है, जिस पर जिंगी हाँ कर देता है। वैसे इसके बाद अब जब वो वापस लौट रहे थे तब जिंगी में मको वैसे इसके बाद अब जब वो वापस लौट रहे थे तब जिंगी मकोटो से पूछता है कि युकियो की एज बहुत कम है और उसे देखकर नहीं लगता कि वो सच में एक वाटर ड्रैगन है। तो इस पर मकोटो कहता है कि वो अभी छोटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी पावर बढ़ना स्टार्ट होगी और वो इस तरह से एक वाटर ड्रैगन नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा जिसमें मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इंसानियत को प्रोटेक्ट करने के लिए और सभी के भलाई के लिए मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। वैसे वो जिंगी से ये भी कहता है कि उसे हमेशा युकियो का ख्याल रखना और उसे प्रोटेक्ट करना है। अब अगले ही सीन में हम हारू और इबुकी को देखते हैं, जो कि कुछ मॉन्स्टर लाइक क्रिएचर को खत्म करके अब घर वापस लौट चुके थे। वो दोनों भी मकोटो की तरह स्ट्रांग बनना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने मकोटो को अपना मास्टर चुना है। वो सभी आपस में बहुत घुल मिल कर रहते हैं और इनके रिलेशंस भी बाकी सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, और ये पांचों बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते हैं और इनकी इस आइलैंड के मेयर के साथ भी बहुत अच्छी बनती है। साथ ही इनकी जो लैंड लॉर्ड है उनका नाम मोमोको है और उससे भी इनकी बहुत अच्छी बनती है, और वो भी इनकी फैमिली की तरह ही है। अभी एक दिन हम देखते हैं कि हारू और इबुकी मास्टर को लेकर लड़ रहे थे, तभी मोमोको वहां पर आती है और कहती है कि उन्हें इस तरह से युकियो के सामने नहीं लड़ना चाहिए, वरना युकियो पर इसका गलत इंप्रेशन पड़ेगा, जिसके बाद वो दोनों लड़ना छोड़ देते हैं। वैसे अगले सीन में वो दोनों ही ट्रेनिंग कर रहे थे, जिस दौरान जिंगी वहां पर आता है और उनसे कहता है कि उन्हें थोड़ा रेस्ट भी कर लेना चाहिए, लेकिन इस पर वो दोनों ही रुककर कहते हैं कि हमें रेस्ट करने की ना कहते हुए तुम्हें भी ट्रेनिंग करना शुरू करना चाहिए, जिससे कि तुम भी स्ट्रांग बन सको, वैसे भी तुम्हारी वाटर पावर बहुत अच्छी है। इस पर जिंगी कहता है कि हाँ ये तो है, लेकिन मैं बहुत स्पेशल हूँ, मुझे ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं। पर तभी मकोटो वहां पर आता और उसे एक लात मारते हुए कहता है कि तुम्हें खुद को ज्यादा स्ट्रांग नहीं समझना चाहिए, वरना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस पर जिंगी को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो बस ये बात मजाक में ही कह रहा था। अब यहाँ पर हारू अभी उस रिचुअल की बात करता है, जो कि परफॉर्म करके वाटर ड्रैगन के स्पिरिट को जगाया जा सकता है, और ऐसा वो खुद के ऊपर करने को कह रहा था, पर यहाँ पर मकोटो उसे मना कर देता और वो कहता है कि अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। पर वो लोग ये जानते हैं कि फायर ड्रैगन अब धीरे धीरे गुस्से में आ रहा है, क्योंकि उसे वाटर ड्रैगन की याद आ रही है, इसी वजह से वो फिर से अपने रैम्पेज मोड में आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर मकोटो कह रहा था कि शायद जल्द ही फायर ड्रैगन अराटामा में बदल सकता है।
अराटामा असल में बीस्ट का एक फॉर्म होता है, जिन बीस्ट को हम बाद में देखेंगे, और असल में हारू और इबुकी इसी तरह के बीस्टों को खत्म करते हैं। लेकिन अगर फायर ड्रैगन अराटामा बीस्ट में बदलता है तो उसकी पावर नॉर्मल अराटामा से बहुत ही ज्यादा होगी। यहाँ पर अब ये लोग बात कर रहे थे कि उन्हें उस चौथे आइलैंड को सील करना होगा जहाँ पर वो फायर ड्रैगन रहता है, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले खतरे के लिए वो पहले से तैयार हो पाएंगे। इस पर मकोटो भी हाँ करता है। वैसे अभी इबुकी मन में सोच रहा था कि फायर ड्रैगन धीरे धीरे वक्त के साथ और भी ज्यादा स्ट्रांग बनते जा रहा है, और उसके हिसाब से ये चार पांच लोग मिलकर उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। लेकिन यहाँ पर वो अपने मास्टर के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता और बस चुपचाप खड़ा रहता है। अब तभी वहाँ पर मोमोको उनके लिए ड्रिंक लेकर आ गई थी, इस वजह से वो लोग इस टॉपिक पर बात करना बंद कर देते हैं। अब यहाँ से जो टाइम है वो थोड़ा जल्दी जल्दी कंटिन्यू होता है। हम देखते हैं कि वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसी तरह से कई हफ्ते बीत जाते हैं और उस दौरान हारू और इबुकी की ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही थी, घर का काम भी सही चल रहा था और ये लोग मजे कर रहे थे। पर अब अचानक से एक दिन बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आना स्टार्ट होता है। ये अर्थक्वेक वहाँ उस पूरे आइलैंड को हिला रहा था। वैसे ये आइलैंड अलग है और जिस आइलैंड पर फायर ड्रैगन रहता है वो आइलैंड अलग है, लेकिन फिर भी फायर ड्रैगन की वजह से यहाँ पानी के अंदर जो वेव क्रिएट हो रहे थे और उसी की वजह से इस आइलैंड तक को अर्थक्वेक का सामना करना पड़ रहा था, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे भारी नुकसान हो सकता है। इस वजह से मकोटो फैसला करता है कि वो फायर ड्रैगन को जाकर रोकेगा और उसे शांत कराएगा, और यहाँ पर वो हारू और इबुकी से घर पर सभी का ख्याल रखने की कहता है, और वो अपनी तलवार और वेपन उठाकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के कुछ घंटे बाद भी अर्थक्वेक रुका नहीं था, जिस वजह से अब और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। और ये देखते हुए हारू और इबुकी फैसला करते हैं कि वो उस चौथे आइलैंड पर जाएंगे जहाँ पर वो फायर ड्रैगन रहता है। वैसे इन्हें नहीं पता था कि मकोटो का प्लान क्या है और वो अभी कर क्या रहा होगा, लेकिन फिर भी ये अपने मास्टर के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए सीधा उस चौथे आइलैंड पर आ जाते हैं। इन्हें जानने को मिलता है कि वो फायर ड्रैगन एक वोल्केनो के अंदर रहता है। उसकी पावर की वजह से ही वो वोल्केनो हिल रहा था और उसी के कारण अर्थक्वेक आ रहा था। वहां पर वो उस ड्रैगन को शांत कराने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए ये अपनी एनर्जी का यूज कर रहे थे। धीरे धीरे वो वोल्केनो शांत होता जा रहा था, पर अचानक से जब फायर ड्रैगन को गुस्सा आता है तो वोल्केनो इरप्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और जिस प्रॉब्लम को ये रोकने के लिए आए थे वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इससे कई नुकसान हुए थे। पहली चीज की इससे फायर ड्रैगन को गुस्सा आ गया था, वो अपने रैम्पेज फॉर्म में आ गया था। दूसरी तरफ वहाँ अर्थक्वेक की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी, साथ ही अब वोल्केनो को इरप्ट होते देख सभी आइलैंड वाले डर रहे थे। इस वजह से वो लोग आइलैंड को छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। उसी दौरान हम युकियो और जिंगी को देखते हैं। जिंगी अभी किसी तरह से युकियो को बचाना चाहता था, इस वजह से वो चाहता था कि वो युकियो को इस आइलैंड से बाहर निकाले। अब वापस से हम यहाँ उस चौथे आइलैंड पर आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हारू और इबुकी अभी उस ड्रैगन से फाइट कर रहे थे, लेकिन अब वो ड्रैगन रैम्पेज मोड में आ गया था और उसकी पावर के सामने ये दोनों टिक नहीं पाते, जिस वजह से वो ड्रैगन बड़े ही आराम से इन्हें नीचे फेंकते जा रहा था। यहाँ पर इन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी और अब इन्होंने मान लिया था कि ये लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। साथ ही वो ड्रैगन भी अभी गुस्से में इनके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही मकोटो वहाँ पर आ जाता और वो सिचुएशन को कुछ हद तक संभाल लेता है। यहाँ पर वो उन दोनों से उस आइलैंड को छोड़कर जाने को कहता है, क्योंकि अब उसे ही फायर ड्रैगन को शांत करना होगा। अब वैसे तो वो दोनों वहां से नहीं जाने वाले थे, लेकिन मकोटो उनसे कहता है कि ये लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है, और अगर उन्होंने यहाँ पर बचपना दिखाया तो इससे बाकी आइलैंड के लोग भी मारे जाएंगे। अब यहाँ पर हारू और इबुकी की दोनों को ही मकोटो की बात माननी पड़ती है और वहां से जाना पड़ता है। कुछ देर के बाद वो फायर ड्रैगन शांत होता है, और जब वो वापस से वोल्केनो के पास आते हैं तो इन्हें वहां पर मकोटो की डेड बॉडी मिलती है। अगली सीन में ये लोग अभी फ्यूनरल में थे, जहां पर मकोटो को शांति मिलने की बात की जा रही थी और सभी उसकी बहादुरी के लिए उसकी तारीफ कर रहे थे। वो दुखी भी थे, मगर तभी वहां पर एक वकील आता है जो कि मकोटो की वसीयत लेकर आया था। अब हमें ये तो पता था कि जो युकियो है वो असल में मकोटो का बेटा है, तो यहाँ पर वो जो वकील पेपर लेकर आया था उसमें लिखा हुआ था कि मकोटो चाहता है कि युकियो टाउन में जाकर, मतलब कि बड़े हाईटेक सिटी में जाकर पढ़े। अब ये सुनकर मोमोको और बाकी लोग हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मकोटो ऐसा क्यों चाहता था, पर अब जब ऐसा लिखा जा चुका है इस वजह से उन्हें इस पर हाँ करनी पड़ती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो वकील वहाँ एक शिप में युकियो को ले जा रहा था। जिंगी अभी उस आइलैंड पर से उसे देख रहा था, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर उसके मास्टर चाहते क्या थे। पर वो ये बात जानता है कि युकियो असल में एक वाटर ड्रैगन है, जिस वजह से मास्टर यानी कि मकोटो ने जो कुछ भी किया है वो बहुत सोच समझ कर किया होगा। वैसे मकोटो ने उसे सिर्फ 15 साल होने तक के लिए शहर में भेजा था,
और जैसे ही वो 15 साल का होगा वो वापस से उस आइलैंड पर लौट आएगा। अब तब तक के लिए यहाँ पर जिंगी सोच रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मकोटो एक रिचुअल के बारे में बात कर रहा था जिससे कि युकियो अपने रियल यानी कि वाटर ड्रैगन फॉर्म में वापस आ सकता है। और अब जब मकोटो नहीं रहा तो इसका मतलब वो रिचुअल किसी और को परफॉर्म करना होगा। वो ये बात किसी को बता नहीं सकता, इस वजह से वो उस रिचुअल को खुद ही सीखने का डिसाइड करता है। इसके बाद अब वो मकोटो के रूम में आ गया था जहाँ पर आकर उसे बहुत सारी पुरानी किताबें मिलती है। वो धीरे धीरे उन सभी किताबों को पढ़ता है जिसके बाद उसे उनमें से कई सारी जानकारियां मिल गई थी। वहां पर उसे ये बात भी जानने को मिलती है कि बहुत टाइम पहले एक लीजेंडरी हार्मिंट जिसका नाम गैंडाल्फ था, उसने खुद को सैक्रिफाइस करते हुए वाटर ड्रैगन को बचाया था और वही सेम रिचुअल की बात मकोटो कर रहा था। उस रिचुअल के दौरान जो आदमी उस रिचुअल को परफॉर्म करता है उसकी जान चली जाती है क्योंकि उसे खुद को सैक्रिफाइस करना होता है। ये सुनकर जिंगी बहुत डर गया था। वैसे भी अभी उसकी उम्र बहुत कम है, इस वजह से ये सारी बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी, लेकिन उसे अपने मास्टर पर भरोसा था, इस वजह से वो उन किताबों को पढ़ रहा था। उसे कई सारी ऐसी किताबें मिलती है जो कि खुद मकोटो ने लिखी थी जिसके अंदर उस रिचुअल के बारे में थोड़ा आसान भाषा में लिखा हुआ था। पर जब जिंगी उसे पढ़ता है तो उसे लगता नहीं कि सच में ये पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो भरोसा करते हुए फैसला करता है कि वो इन सभी रिचुअल को परफॉर्म करेगा क्योंकि अब आइलैंड को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वैसे इसके बाद अब उसने अपनी लाइफ को बहुत ही मजे से जीना शुरू कर दिया था क्योंकि वो ये बात जानता था कि उसकी लाइफ का और कोई मकसद नहीं है, उसे बस इस रिचुअल को सीखना है और इसे लास्ट में परफॉर्म करना है और उसके बाद उसे मर जाना है, लेकिन उसके बीच का जो टाइम है वो उसे इंजॉय कर सकता है। अब यहाँ से समय बहुत तेजी से आगे चलता है और सीधे 10 साल बीत जाते हैं। इसका मतलब अब युकियो लगभग 15 साल का हो चुका होगा। तो यहाँ अभी इसी आइलैंड पर मोमोको और वो वकील बात कर रहे थे जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि अब युकियो के वापस आने का टाइम हो चुका है, लेकिन ये बात अभी जिंगी ने सुन ली थी, इस वजह से वो वहाँ पर आता है और कहता है कि युकियो को लेने के लिए वही जाएगा। अगले सीन में हम युकियो को देखते हैं जिसे एक लेटर मिलता है कि उसे वापस घर आ जाना चाहिए। वैसे अब 10 साल करीबन बीत चुके हैं जिस वजह से युकियो को ज्यादा कुछ याद नहीं, पर उसमें लिखा था कि उसे अपने आइलैंड पर लौट कर आना होगा। अब रात हो चुकी थी तो वो सो गया था। नींद में वो आज फिर से खुद को पानी के अंदर पाता है क्योंकि उसे ये सब सपने बार बार आते हैं और इसी वजह से अब उसे इनकी आदत हो गई थी, बल्कि उसे तो अब इसमें मजा आने लगा था। लेकिन तभी एक हाथ उसे बाहर की तरफ खींचता है जिसके बाद उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि कमरा धीरे धीरे हिल रहा है जैसे कि अर्थक्वेक आ रहा हो, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन हम देखते हैं कि उसे सर्टिफिकेट मिलता है क्योंकि उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। वैसे इसके बाद अब जब वो बाहर आ रहा था तभी उसकी मुलाकात उसकी टीचर से होती है जो कि उससे कह रही थी कि उन्होंने सुना है कि अब वो वापस अपने आइलैंड पर जा रहा है। वो पूछती है कि क्या तुम इस चीज से खुश हो, जिस पर युकियो कहता है कि हाँ उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो होप करता है कि वहाँ के लोग भी यहाँ की तरह अच्छे होंगे। वैसे अभी बाहर आते वक्त वो थोड़ा सा दुखी था क्योंकि भले ही वो 10 साल से यहाँ पर रह रहा है लेकिन उसके दोस्त नहीं बने, इस वजह से ये 10 साल उसके लिए थोड़े बोरिंग टाइप के गुजरे थे। अब जब वो बाहर निकल रहा था तभी उसकी नज़र वहाँ बैठी जिंगी पर पड़ती है जो कि धड़ाधड़ बियर की कैन खाली करते जा रहा था, जिस वजह से वो सभी बच्चे उसे ही देख रहे थे। युकियो ने जिंगी को नहीं पहचाना था क्योंकि शायद वो गॉगल्स पहने थे, लेकिन यहाँ पर आकर जिंगी अपने गॉगल्स उतारता है पर फिर भी युकियो उसे नहीं पहचानता और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और इसके बाद युकियो वहाँ से जाने लगता है पर जिंगी हार नहीं मानता क्योंकि उसे डाउट था कि यही युकियो है, इस वजह से वो उसका पीछा करना जारी रखता है। और कुछ देर के बाद वो एक पुल की तरफ आते हैं। जब वो दोनों वहां से गुजर रहे थे तो उसी दौरान जिंगी चेक करने के लिए कि युकियो असल में युकियो है कि नहीं, उसे वहां पुल के ऊपर से नीचे पानी में फेंक देता है। वो जब पानी में गिरता है तो वो तैरने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, युकियो एक वाटर ड्रैगन है लेकिन फिर भी उसे तैरना नहीं आता, और दूसरी चीज ये है कि उसकी स्कूल ड्रेस बहुत ही ज्यादा भारी है, इस वजह से वो थोड़ा बहुत हाथ पैर चला भी रहा था तो भी पानी के ऊपर नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब अचानक से वो पानी के अंदर गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है जो वो खुद नहीं कर रहा था, ये सब अपने आप ही हो रहा था। अब ये चीज देखते हुए बाहर जिंगी को कन्फर्म हो जाता है कि हाँ ये युकियो ही है, इस वजह से वो अपने स्पेल के थ्रू उसे पानी से बाहर ले आता है और खुद भी पानी के ऊपर खड़े होते हुए युकियो से कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, लेकिन वो उसे अभी भी पहचाना नहीं था। लेकिन अब जिंगी को ये बात पता चल चुकी है कि वो युकियो ही है, इस वजह से जिंगी अपने पास से एक सूटकेस खोलता है और उसमें युकियो को पैक करता है और वहां से सीधा ही बोट पर ले आता है
जो कि पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल बीच में थी। यहाँ पर अभी युकियो हैरान था कि वो किडनैप हो चुका है, लेकिन जिंगी उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे बताता है कि वो उसे आइलैंड पर वापस ले जाने के लिए आया है, जिस वजह से युकियो समझ जाता है कि जिंगी को उन्हीं लोगों ने भेजा है जिन लोगों ने उसे लेटर भेजा था। वैसे यहाँ पर जिंगी अपने बारे में बताता है कि जब वो दोनों छोटे थे तब वो दोनों भाई की तरह थे, लेकिन युकियो को कुछ भी याद नहीं था। अब अगले सीन में वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच चुके थे जहाँ पर मोमोको और वो मेयर उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर वो उनका स्वागत भी करते हैं, लेकिन युकियो उन्हें बताता है कि उसे उन दोनों के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। लेकिन इस पर वो दोनों कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। अब इसके बाद वो सीधा ही घर पर आ गए थे जहाँ पर जिंगी युकियो को उसके फादर की फोटोग्राफ दिखाता है जिसमें उनकी पूरी फैमिली थी, लेकिन युकियो उसके खुद के फादर को भी नहीं जानता था। इस वजह से सबसे पहला डाउट उसके मन में यही आया था कि ये फोटो शायद फोटोशॉप की गई है। यहाँ पर जिंगी और बाकी लोग युकियो को बताते हैं कि उसके जो फादर थे वो एक मास्टर थे, वो कई सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते थे, उनके पास कई सारी पावर्स भी थी और युकियो के पास भी ऐसी पावर है जिन्हें उसे मास्टर करना है। युकियो के लिए ये सब मानना थोड़ा मुश्किल था। वैसे इसके बाद वो अपनी मदर के बारे में पूछता है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जब युकियो और उसके फादर यानी कि मकोतो यहाँ आए थे तब वो दोनों अकेले थे और ना जाने क्यों पर इन लोगों ने कभी युकियो की मदर के बारे में कुछ पूछा नहीं। युकियो को ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन अब वैसे भी वो यहाँ पर आ चुका है और उसके पास और कोई चारा नहीं है, इस वजह से वो यहीं पर रुकने का फैसला करता है। वैसे इसके बाद अब वो वापस अपने रूम में लौट रहा था। जिंगी भी यहाँ पर उसका पीछा करता है, लेकिन जिंगी को अभी युकियो का बिहेवियर थोड़ा सा अलग लग रहा था, क्योंकि वो बचपन में कभी इतना चुप चुप नहीं रहता था। वो यहाँ पर युकियो के कमरे में आकर उससे इसकी वजह पूछता है, जिस पर युकियो बताता है कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि जब मैं वहाँ मेनलैंड में गया था तभी एक दिन हम सभी स्टूडेंट को एक हॉट स्प्रिंग वाली जगह पर ले जाया गया जहाँ पर जो बाकी बच्चे थे वो युकियो का मजाक उड़ा रहे थे, जिस वजह से उसे गुस्सा आया और वो जैसे ही चीखा तो वहाँ का पानी अपने आप ही हवा में उड़कर उस बच्चे को उठा लेता है जो उसका मजाक उड़ा रहा था। और ऐसा हर बार होता था जब भी उसे किसी पर गुस्सा आता था। इसी वजह से किसी को चोट ना लगे इसलिए युकियो ने खुद को बाकी लोगों से दूर रखा और इसी वजह से अब उसे ज्यादा इमोशंस फील नहीं होते। वैसे इसके बाद जब युकियो पीछे मुड़कर देखता है तो वो नोटिस करता है कि जिंगी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। अब युकियो थोड़ा सा बोर हो रहा था, इस वजह से वो तुरंत ही वहां से बाहर की तरफ आ जाता है और उस आइलैंड पर घूमने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात आराटामा नाम के उसी क्रिएचर से होती है जो कि अभी बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। यहाँ जब वो आया था तब उसने आराटामा बीस्ट को देखा था, लेकिन तब वो बड़ा क्यूट था। अब अचानक से ये आराटामा वहाँ पानी में गिर जाता है, जिसके बाद पानी में एक ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से एक मास्क की तरह एक फिश टाइप की चीज बाहर निकलती है जो कि बड़ी अजीब लग रही थी। अब वो जो भी चीज थी वो यहाँ पर युकियो पर हमला करने वाली थी, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही जिंगी वहां पर आता है और उसे बचाकर वहां से उड़ते हुए ले जाने लगता है। रास्ते में वो युकियो को बताता है कि इनको आराटामा कहते हैं और ये लोगों के इमोशंस के हिसाब से बिहेव करते हैं। वैसे अब उस आराटामा ने अपना असली रूप बना लिया था और वो बहुत ही खतरनाक किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा था और अब वो उनका रास्ता भी रोक लेता है। युकियो यहाँ पर जिंगी से कहता है कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर जिंगी कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और इतना कहते हुए वो अपने डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक का इस्तेमाल करके उस आराटामा को ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर युकियो बहुत ही ज्यादा हैरान था, लेकिन तभी अचानक से वो आराटामा बीस्ट फिर से क्रिएट हो जाता है और अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। अभी भी वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था और इन पर हमला करने वाला था, लेकिन उसी समय जिंगी अचानक से युकियो को आराटामा के पास धक्का दे देता है, जिस वजह से युकियो आराटामा के पेट में चला गया था और यहाँ पर अब वो पानी के अंदर था। उसे बड़ी घबराहट हो रही थी, इसकी वजह से उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है जिस पर उसका कंट्रोल नहीं था, जिस वजह से वो आराटामा ब्लास्ट कर जाता है। अभी युकियो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण वो जिंगी पर भी हमला कर देता है, लेकिन जिंगी ने बहुत ही आसानी से उसकी पावर को मैनेज कर लिया था। युकियो को लग रहा था कि शायद जिंगी उस पर गुस्सा करेगा क्योंकि उसने जिंगी के ऊपर हमला किया, लेकिन जिंगी कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका भी अपने पावर पर कंट्रोल नहीं है। युकियो सोच रहा था कि वो सच में इस पावर को कंट्रोल कर भी पाएगा कि नहीं। इस पर जिंगी कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर वो ट्रेनिंग करे तो ऐसा वो कर सकता है। जिसके बाद जिंगी युकियो के शर्ट पर धीरे से पंच करता है, जिस वजह से युकियो को याद आता है कि जब वो छोटा था तब भी जिंगी सेम ऐसा ही करता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी वो आराटामा जो कि युकियो ने डिस्ट्रॉय किया था वो ले एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है
और उसके बाद वहां पर छोटे छोटे अराटामा बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि युकियो बैठकर प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहां पर जिंगी आता है। युकियो उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बैठे बैठे क्या कर रहा हूँ। इस पर जिंगी कहता है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस तुम्हें ले एनर्जी पर ध्यान लगाना है। युकियो को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर ये ले एनर्जी होती क्या है। अब इसके बाद जिंगी उसे समझाता है कि एक वाइटल एनर्जी होती है जो कि जमीन के अंदर फ्लो करती है, और बड़े लेवल के मास्टर इसका यूज करते हैं अपनी पावर को सर्कुलेट करने के लिए, और साथ ही साथ इस तरह की अराटामा बीस्ट और कुछ पावरफुल क्रिएचर से लड़ने के लिए। अगर युकियो इस एनर्जी को समझ लेता और इसे कंट्रोल करना सीख जाता है तो वो भी इन अराटामा बीस्ट से आसानी से लड़ सकता है। अब युकियो को ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया था, पर फिर भी वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी जिंगी को जानने को मिलता है कि लोगों ने एक अराटामा बीस्ट को देखा है जो कि खतरनाक है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो युकियो को भी वहाँ पर लेकर जाएगा, जिससे कि वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग हो सके और ऐसा करने से उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अगले सीन में वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे जहाँ पर वो अराटामा बीस्ट है। वो अभी उसे छुपकर देख रहे थे और सोच रहे थे कि उन्हें प्लान बनाकर उससे फाइट करनी होगी, पर तभी वो अराटामा बीस्ट इनकी बात सुन लेता और वो वहाँ पर उनके पास आ जाता है। यहाँ पर अभी वो जिंगी की तरफ हमला कर रहा था, जबकि युकियो उनके सामने ही खड़ा हुआ है, लेकिन वो युकियो पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इस चीज़ से युकियो थोड़ा सा हैरान था, पर तभी जिंगी उससे कहता है कि वो उसकी मदद करे। अब युकियो ने जितनी भी ले एनर्जी को कंट्रोल करना सीखा था उसके थ्रू ही वो नॉर्मल अटैक करता है। ये अटैक एक वाटर अटैक था जिसकी वजह से अराटामा बीस्ट को हल्का सा डैमेज पहुंचा था। वो गिर गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो फिर से खड़ा होता है और जिंगी को नीचे गिरा देता है। अभी जिंगी हमला नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो युकियो से हेल्प मांगता है। अब यहाँ पर युकियो सोच रहा था कि वो क्या करे, तभी इतने में वहाँ पर हारू की एंट्री होती है, जो कि अपनी मैसिव एनर्जी से उस अराटामा बीस्ट को प्यूरीफाई कर देता है। मतलब वो एक बार में ही ले एनर्जी में कन्वर्ट होकर उड़ गया था बिना उसे टच किए। ये देखकर युकियो अभी हल्का सा हैरान था। तभी यहाँ पर हारू नीचे आता और जिंगी से कहता है कि उसे बियर पीना कम कर देना चाहिए। हम देखते हैं कि जब ये अराटामा बीस्ट प्योर हो गया था तो उसकी जो वाटर बॉडी थी उसके अंदर से बहुत सारी बियर की कैन निकलती है, और क्या पता शायद वो इसीलिए जिंगी के पीछे पड़ा हुआ था। वैसे अब यहाँ पर हारू युकियो को भी देखता है, वो उसके पास आता है। वो उसे पहचान गया था, इस वजह से वो उसे अपने गोद में उठा लेता है। वैसे युकियो उसे नहीं पहचानता था कि ये लड़का है कौन। अभी जिंगी हारू से कहता है कि युकियो डर रहा है, इसलिए उसे नीचे उतार देना चाहिए। अभी हारू जानता था कि युकियो ने उसे नहीं पहचाना है, इस वजह से वो बताता है कि वो उसके फादर का स्टूडेंट हुआ करता था। अब इसके बाद वो लोग घर पर आ गए थे जहाँ पर मोमो को उनके लिए खाना बनाती है। वो लोग बताते हैं कि युकियो को बचपन में मोमो के हाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वैसे युकियो भी ये चीज़ याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। और अब यहाँ पर वो हारू की तारीफ करने लगा था, क्योंकि उसने बहुत ही कम टाइम में सिर्फ अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उस अराटामा बीस्ट को ले एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए प्यूरीफाई कर दिया। अब यहाँ पर हारू बताता है कि वो ले मास्टरी कर रहा है, जिसका मेन मोटिव यही होता है कि वो ले एनर्जी के थ्रू अराटामा बीस्ट को प्यूरीफाई करे। वो बताता है कि अराटामा बीस्ट उनके दोस्त भी नहीं हैं, क्योंकि वो लोगों पर हमला करते हैं, और वो उनके दुश्मन भी नहीं हैं, क्योंकि वो ऐसा जानबूझकर नहीं करते, इसीलिए वो उन्हें मारता नहीं बल्कि प्यूरीफाई कर देता है। जिसके बाद वो नॉर्मल छोटे छोटे अराटामा में बदल जाते हैं और किसी से लड़ते नहीं। युकियो को ये बात बड़ी पसंद आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगी अभी युकियो को उस आइलैंड से सीधा फर्स्ट आइलैंड पर लेकर आया था। युकियो देखता है कि ये जो पहला आइलैंड है ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिशियन, खाने के स्टॉल वगैरह सब चीज़ें हैं। वो दोनों अभी एक वाटर ट्रेन में बैठे हुए थे। वो ये देखकर बहुत ही इम्प्रेस था, क्योंकि आज तक उसने पानी पर चलने वाली ट्रेन कभी नहीं देखी थी। अब जब वो वहाँ मेन टाउन की तरफ पहुँचते हैं तो जिंगी अभी उसे अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रहा था, जो कि युकियो ध्यान से सुन रहा था। लेकिन भीड़ के चलते जिंगी किसी और रास्ते चला जाता है और युकियो किसी और। अभी युकियो को पता नहीं था कि जिंगी गुम गया है, इस वजह से वो बस आगे बढ़ते जा रहा था। रास्ते में जब वो किसी चीज के बारे में पूछने को होता है, तभी वो देखता है कि जिंगी उसके साथ नहीं है। वो उस आइलैंड पर लगभग 10 साल बाद आया है, जिस वजह से उसे कुछ भी याद नहीं, इसीलिए जिंगी को ढूंढना मुश्किल था। तभी सामने वो लोगों की चिल्लाने की आवाजें सुनता है। वहां पर हम देखते हैं कि एक क्लाउन अभी हैरान था, क्योंकि उसकी जो बॉल टाइप चीज थी वो हवा में उड़ रही थी। वो बॉल अचानक से एक अराटामा बीस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जो देखकर सभी डर जाते हैं। अभी वो अराटामा यहाँ उस क्लाउन के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन इतने में युकियो आगे आते हुए उसे बचा लेता है।
वो जानता था कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं जो कि एक अराटामा बीस्ट से लड़ पाए, इसीलिए अब उसे ही फाइट करनी होगी। वो फाइट करने के लिए तैयार था, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का आता है और गोली चलाते हुए उस अराटामा बीस्ट को खत्म कर देता है। युकियो ये देखकर हैरान था। वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि असल में वो लड़का कोई और नहीं बल्कि इबुकी है, और यहाँ पर वो भी युकियो को पहचान गया था, इस वजह से वो कहता है कि मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। अभी युकियो उसे नहीं पहचानता था, लेकिन बाद में साथ चलते वक्त इबुकी उसे बताता है कि वो भी उसके फादर का एक पुराना स्टूडेंट है। वो ये भी कह रहा था कि उसने लोगों से युकियो के बारे में सुना है। वो सभी कह रहे थे कि युकियो अपने फादर से बिल्कुल अलग है। युकियो को तो ये चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती। वो अभी ये सोच रहा था कि हारू का जो तरीका है अराटामा को प्यूरीफाई करने का वो अलग है और इबुकी का तरीका बिल्कुल अलग है। वैसे इसके बाद अब वो उस बिल्डिंग में पहुंच चुका था जहां पर इबुकी रहता है और काम करता है। अब यहां वो युकियो को भी अंदर आने की कहता है। जब वो वहां पर आता है तो वो जिंगी को देखता है, जिसे देखकर वो हैरान था। वहां पर एक बार भी था। अभी पहले तो युकियो जिंगी से कहता है कि आखिर वो बीच आइलैंड पर उसे छोड़कर क्यों गया, जिस पर वो ज्यादा कुछ नहीं बताता। अब यहाँ जब वो बैठे हुए थे तभी युकियो इबुकी से हारू के बारे में बात करता है। वो कहता है कि हारू अराटामा बीस्ट को प्यूरीफाई करता है और तुम सीधा बंदूक निकालकर उसे खत्म कर देते हो, जिस पर इबुकी कहता है कि हाँ ये दोनों ही तरीके हैं अराटामा बीस्ट को रोकने के, लेकिन युकियो कहता है कि अगर हम उसे सच में ले एनर्जी की मदद से प्यूरीफाई करें तो वो ले एनर्जी के साथ मिल जाएगा और ये थोड़ा पीसफुल तरीका भी लगता है। लेकिन इस पर इबुकी कहता है कि हाँ लेकिन इससे वो कुछ सालों बाद वापस से बुरा बनकर हम पर हमला भी कर सकता है, और वैसे भी यहाँ आइलैंड पर कई सारे टूरिस्ट आते हैं, वो अराटामा बीस्ट जैसी चीज़ों को देखकर डर जाते हैं, इसीलिए मैं उनकी जान बचाने के लिए उन बीस्ट को परमानेंटली ख़त्म ही कर देता हूँ जिससे वो कभी लौट कर ही ना आए। लेकिन अभी युकियो को इसका तरीका सही नहीं लग रहा था। उसके हिसाब से हारू का तरीका ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वहीं इबुकी को अपना ही तरीका ज़्यादा सही लगता है। अब तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि असल में इबुकी की स्टूडेंट है। वो आकर बताती है कि उन्हें असली अराटामा की बॉडी मिल चुकी है। ये सुनकर युकियो हैरान था। वो कहता है कि हमने उस अराटामा को वहीं पर ख़त्म किया था। तो इस पर इबुकी बताता है कि नहीं, वो असली अराटामा नहीं था, असली अराटामा कहीं और है, और वो अपने पावर से इन छोटे छोटे अराटामा को कंट्रोल करते हुए बीस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसके बाद इबुकी वहाँ से जाने लगा था, लेकिन वो युकियो से कहकर जाता है कि उसे जब भी यहाँ पर आना हो वो आ सकता है। अब उसके जाने के बाद युकियो और जिंगी दोनों ही आइलैंड से जाने लगे थे। रास्ते में युकियो इबुकी की कंपनी के बारे में पूछता है, जिस पर जिंगी कहता है कि वो लोग टूरिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से अराटामा बीस्ट को खत्म करने का काम करते हैं। वो पूछता है कि क्या तुम्हें युबुकी का काम पसंद है, जिस पर जिंगी कहता है कि हाँ वो सही कर रहा है। लेकिन युकियो ने ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसके हिसाब से हारू का तरीका ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अराटामा बीस्ट को मारता नहीं बल्कि प्यूरीफाई करता है। लेकिन इस पर जिंगी कहता है कि हाँ उसका तरीका अच्छा है, लेकिन अराटामा बीस्ट हमें नॉर्मल ट्रीट नहीं करते। अगर हमारी फाइट हो रही है और हम उसे प्यूरीफाई करने का सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो भी हमें प्यूरीफाई करेगा, वो हमें जान से ही मारेगा। और प्यूरीफाई करने का मतलब है कि कुछ टाइम में अराटामा बीस्ट फिर से आ सकते हैं, और यहाँ पर इस आइलैंड पर टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से जो बाहर से लोग आते हैं उनकी एनर्जी की वजह से अक्सर ये अराटामा बीस्ट जाग जाते हैं, और ऐसा लगभग रोज ही होता है, जिस वजह से ये कंपनी बनाई गई है। और जिंगी के हिसाब से इबुकी जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। अब यहाँ पर युकियो पूछता है कि हारू का इबुकी के इस टेक्निक पर क्या कहना है, तो इस पर जिंगी कहता है कि इन दोनों को ही एक दूसरे की टेक्निक से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही यहाँ पर जिंगी युकियो को मना करता है कि वो उन दोनों को एक दूसरे के बारे में ज़्यादा बात ना करे। युकियो थोड़ा सा हैरान था। वो कहता है कि ऐसा क्यों, जबकि वो दोनों ही उसके फादर के स्टूडेंट हैं और लगभग भाई की तरह हैं। लेकिन इस पर जिंगी कोई ज़्यादा साफ जवाब नहीं देता। अब वो आगे बढ़ने लगे थे, तभी युकियो नोटिस करता है कि वो कुछ वहाँ इबुकी की बिल्डिंग में भूल आया है। इस वजह से वो जिंगी को आगे जाने को कहता है और खुद उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है अपनी चीज़ वापस लेने के लिए। वैसे युकियो ने अभी जिंगी को जाने को इसीलिए कहा क्योंकि वो पहले भी इस तरह से आइलैंड पर अकेला घूम चुका है, इस वजह से उसे अब डर नहीं लगता। जब वो आगे बढ़ रहा था तो यही सोच रहा था कि हारू का तरीका सही है या फिर इबुकी का, लेकिन तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है और लोगों के चीखने की आवाज़ आती है। वो तुरंत ही उस डायरेक्शन में भागता है तो देखता है कि लोग एक अराटामा बीस्ट से डरकर भाग रहे हैं। वहाँ पर एक और लड़का था जो कि असल में इबुकी का साथी है। यहाँ पर वो लोगों से दूर हटने को कह रहे थे, तभी वो अराटामा बीस्ट सामने आ जाता है। युकियो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो अपनी एनर्जी का यूज करता है उस पर हमला करने के लिए।
उसे याद आता है कि इबुकी का मानना है कि अराटामा बीस्ट किसी को भी इंजर्ड करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते और इसीलिए उसे लगता है कि उन्हें खत्म करना ही सही है। यहाँ पर युकियो की एनर्जी कुछ काम नहीं आती। वो अराटामा बीस्ट अभी भी पूरी तरह से ठीक था, लेकिन इतने में ही इबुकी के बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं और उसके ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान यहाँ पर युकियो के पास जिंगी आ गया था, जो कि उसे वहाँ से चलने को कहता है क्योंकि अराटामा बीस्ट बहुत पावरफुल है। और साथ ही जिंगी यहाँ पर यह भी कह रहा था कि अगर ये लोग इसे गोलियों से ना मार पाए तो इनका आगे का प्लान क्या होगा। लेकिन इतने में ही इबुकी और उसकी वो स्टूडेंट वहाँ पर आती है। इबुकी यहाँ पर गोलियों को रुकवाते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू करता है, जिसमें हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी हल्की सी चेंज होने लगी थी और उसका एक हाथ पूरी तरह से बदल गया था। यहाँ पर जिंगी युकियो को बताता है कि इबुकी अभी इस अराटामा बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो उसी की एनर्जी का यूज कर सके उसी को हराने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इबुकी का एक हाथ पूरी तरह से बदलने के बाद उसके हाथ पर एक आंख भी बन गई थी, जिसके बाद जब वो अराटामा उसकी तरफ हमला कर रहा था तभी इबुकी यहाँ पर अराटामा को पकड़ते हुए उसके पार्ट्स को अलग कर देता है, जिस वजह से वो अराटामा मारा जाता है। इबुकी ने अभी अराटामा की आंख निकाल ली थी, जिसे पिचकाते हुए उसके ब्लड को कंज्यूम करता है और डिक्लेयर करता है कि वो अपने पुराने मास्टर और बाकी सभी से स्ट्रांग बनेगा। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि वो एक ड्रैगन से भी स्ट्रांग बनकर दिखाएगा। अभी यहाँ पर युकियो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, लेकिन बाद में उसे ये भी जानने को मिलता है कि इस प्रोसेस के बाद इबुकी को बहुत ही ज्यादा पेन सहना पड़ता है क्योंकि उसमें इसकी बहुत एनर्जी लगती है और वैसे भी एक अराटामा बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद उसे रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा टफ है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले ही दिन वो लोग थर्ड आइलैंड पर आ गए थे और ये वो आइलैंड है जहाँ पर हारू और उसके स्टूडेंट रहते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर जंगल ही जंगल है, इस वजह से जिंगी को वहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ पर वाईफाई भी नहीं होती और ना ही कोई गर्ल्स है जिससे वो बात कर सके। वैसे अभी वो यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि युकियो ने उससे रिक्वेस्ट की थी। वो चाहता था कि वो हारू से मिले और साथ ही उसके जो स्टूडेंट हैं उसके साथ वो दोस्ती करे। अब तभी वहाँ पर हारू के दो स्टूडेंट आ जाते हैं। वैसे जिंगी उन दोनों को ही पसंद नहीं करता और वो दोनों भी जिंगी को बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें जिंगी का नेचर और कैरेक्टर दोनों ही बिल्कुल नहीं पसंद। अब यहाँ पर वो युकियो को लेकर आ रहे थे और उसे आसपास की जगह के बारे में बता रहे थे। वैसे आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल था, लेकिन अब वो लोग एक श्राइन टेम्पल के पास आ जाते हैं जहाँ पर दो स्टैचू रखे हुए थे। वो बताते हैं कि ये दोनों स्टैचू अलग अलग ड्रैगन के हैं और ये उन्होंने वाटर ड्रैगन और फायर ड्रैगन के लिए बनाए हैं। अभी युकियो ड्रैगन के बारे में जानना चाहता था, जिस वजह से वो उसे उसी आइलैंड की तरफ पॉइंट करते हुए बताते हैं कि ये फोर्थ आइलैंड है जहाँ पर वो ड्रैगन रहा करते हैं। वो यहाँ पर उसे वो स्टोरी भी बताते हैं जब फायर ड्रैगन को गुस्सा आया था और उसने हमला किया था। वो पूरी कहानी बताते हुए ये भी बताते हैं कि युकियो के फादर ने इस चीज़ के लिए अपनी जान दे दी थी। अभी युकियो को याद आता है कि इबुकी कह रहा था कि वो ड्रैगन से ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। वो समझ जाता है कि वो जरूर फायर ड्रैगन की बात कर रहा था, मगर युकियो को अभी कुछ भी याद नहीं। वो सोचता है कि उसे कुछ तो याद होना चाहिए था, अगर सच में इतनी बड़ी तबाही हुई थी और जब वो यहीं था तो कुछ तो मेमोरी होगी उसके पास। लेकिन जब वो सोचने की कोशिश करता है तब उसे सिर्फ पानी ही दिखाई देता है। अब यहाँ वो आगे बढ़ने वाला था तभी वो देखता है कि अभी जिंगी हारू के उन दोनों स्टूडेंट से कह रहा है कि यहाँ पर कहीं बियर नहीं मिलती, साथ ही वो उन्हें साथ में चलने को भी कहता और ड्रिंक करने को कहता है। उसी समय वहाँ पर हारू आ गया था, जिसे जानने को मिलता है कि युकियो अभी उसी से मिलने के लिए आया है, इसीलिए वो उसको अपने घर पर लेकर आता है। जहाँ पर जब वो बैठे थे तो हारू पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। युकियो कहता है कि अभी वो कुछ ही टाइम पहले फर्स्ट आइलैंड पर गया था जहाँ वो इबुकी से मिला। वैसे तो हारू इबुकी के बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी अब युकियो कह रहा है तो वो सुनता है। युकियो कहता है कि उसने देखा कि इबुकी किस तरह से एक अराटामा को पिस्टल के थ्रू खत्म करता है, तो वो यहाँ पर हारू से उसका ओपिनियन पूछता है। इस चीज पर हारू कहता है कि वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, उसे इबुकी के तौर तरीकों से कोई मतलब नहीं। अब हारू कहने लगता है कि मैं ले एनर्जी का यूज करता हूँ, तुम्हें ले एनर्जी के बारे में कुछ पता है? तो इस पर युकियो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना जिंगी ने मुझे बताया है। इस पर हारू को हंसी आ जाती है। वो उससे कहता है कि चलो फिर। वो उसे वहाँ गेट के पास लेकर आता और उसे थर्ड आइलैंड पर जो ले एनर्जी मौजूद है उसका एक्सपीरियंस कराता है, जो कि युकियो को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम अगर अपने डीप सी के अंदर झाको तो तुम्हें वहाँ पर भी ले एनर्जी मौजूद दिखेगी, जिसका यूज करते हुए वो अराटामा बीस्ट को प्योर करते हैं और इसी ले एनर्जी में उन्हें कंबाइन करके वो वापस से उसी जगह पर भेज देते हैं जहाँ से वो आए हैं।
युकियो जब ऐसा करता है तो वो सच में ले एनर्जी को महसूस कर पा रहा था, लेकिन तभी हारू उसे रोक देता है और कहता है कि शुरुआत में ज्यादा टाइम ऐसा करने से तुम्हें तकलीफ हो सकती है, साथ ही अगर तुम अपनी हीलिंग एनर्जी में और ज्यादा डीपर जाओगे तो फिर लौट कर आना भी बहुत मुश्किल होता है। युकियो उसकी बात को समझता है लेकिन उसे बहुत मजा आ रहा था। अभी हारू कहता है कि अराटामा नॉर्मली बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होते, वो बस तभी डेंजर होते हैं जब उनका अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं रहता या फिर उन्हें ज्यादा एनर्जी मिल जाए। इसीलिए हारू का काम यही है कि वो उन्हें प्योर करके वहीं भेज देता है जहां से वो आए हैं, जिससे कि वो पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। युकियो यहाँ पर अभी इबुकी के बारे में भी बात करता है। वो कहता है कि इबुकी का हाथ पूरी तरह से बदल गया था, जिसके बाद उसने एक अराटामा बीस्ट की आंख के ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया और उसे पी लिया, लेकिन हारू इस बारे में ऑलरेडी जानता है। वो कहता है कि हाँ, इबुकी ऐसा खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन ऐसा करने से अंत में वो भी एक अराटामा बीस्ट में बदल जाएगा। यह सुनकर युकियो हैरान था। वो कहता है कि सिर्फ पावर लेने के लिए आखिर इबुकी ऐसा क्यों करना चाहता है। अब यहाँ से ये सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी युकियो अपनी ले एनर्जी को फील करते हुए प्रैक्टिस कर रहा था, जिस दौरान वो अपनी एनर्जी को समझ तो लेता है लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। वहीं पर जिंग बैठा हुआ था, वो अभी ये सब देख रहा था। यहाँ पर युकियो किसी तरह से उस ले एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसी दौरान एक हल्का सा अर्थक्वेक आता है जिस वजह से युकियो वहां नीचे गिर गया था। अब अगले दिन फिर से एक हल्का सा अर्थक्वेक आता है, जिसके बाद जिंग युकियो से कहता है कि हमें चलना चाहिए। वो उसे उसके फादर के ग्रेव के पास लेकर आता है, जहां पर अभी जिंगी एल्कोहल पीते हुए मकोतो यानी कि युकियो के फादर को रिस्पेक्ट दे रहा था और प्रे कर रहा था। युकियो को समझ में नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वहां पर तीन और लोग आते हैं और वो भी यहां पर मकोतो को रिस्पेक्ट देते हैं और प्रे करने के लिए आए थे। अब युकियो पूछता है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो यहाँ पर वो तीनों जिंगी से कहते हैं कि वो युकियो को पूरी स्टोरी बताए। अब जिंगी बताता है कि आज से 10 साल पहले ऐसा ही एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था। ये अर्थक्वेक फायर ड्रैगन के गुस्से की वजह से आया था। उसका गुस्सा इतना खतरनाक था कि शायद ये जो बाकी के तीनों आइलैंड हैं, ये समुद्र में जाकर मिल जाते। लेकिन अभी 10 साल से आइलैंड सुरक्षित इसीलिए खड़े हैं क्योंकि युकियो के फादर मकोतो ने अपनी जान को सेक्रीफाइस करते हुए इन सभी की जान बचाई। इसीलिए वो यहाँ पर आकर प्रे करते हैं कि मकोतो हमेशा उनके आइलैंड को प्रोटेक्ट करे। अब इसके बाद युकियो भी वहां पर अपने फादर की ग्रेव के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया था। तभी कुछ देर के बाद वो इबारा को देखते हैं। इबारा वही लड़की है जो कि असल में इबुकी की स्टूडेंट है। वो भी यहाँ पर अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर आई थी। अभी जब वो जा रही थी तो जिंगी उसे ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन इबारा ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। अभी जब युकियो इबारा के पेरेंट्स के ग्रेव की तरफ आता है तो देखता है कि वहां पर इबारा की चेन रखी है, जिस वजह से वो फैसला करता है कि उन्हें ये इबारा को वापस करनी होगी। अगले सीन में वो लोग फर्स्ट आइलैंड पर आ चुके थे, जहां युकियो पहले तो जिंगी से माफी मांगता है कि वो उसे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया, लेकिन जिंगी कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि उसे फर्स्ट आइलैंड पसंद है। इसके बाद अब जब वो वहाँ उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ पर इबुकी काम करता है, तो उन्हें इबुकी मिलता है। लेकिन अब वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर आकर उसी लड़के से मिलते हैं जिन्हें उन्होंने उसे अराटामा वाले इंसिडेंट पर देखा था। इस लड़के का नाम मकीतो है। ये इनका वेलकम करता और यहाँ पर युकियो और जिंगी उससे कहते हैं कि उनके पास इबारा की वो की चेन है, इसीलिए वो उसे की चेन लौटा दे। लेकिन इस पर मकीतो कहता है कि वो खुद ही वो की चेन उसे क्यों नहीं दे देते। इसके बाद मकोतो इबारा को वहां पर बुलाता है। अब युकियो उसे वो की चेन दे देता है। अभी वो उससे कुछ बात करने ही वाला था लेकिन तभी एक अर्थक्वेक आता है। वो समझ गए थे कि जरूर आइलैंड पर कोई अराटामा बीस्ट आया है, लेकिन तभी जिंगी कहता है कि ये फायर अराटामा है। ये सुनकर इबारा तुरंत ही वहां से भाग जाती है उस अराटामा बीस्ट को खत्म करने के लिए। वैसे हमें ये भी बताया जाता है कि असल में इबारा अभी फायर अराटामा सुनकर इसीलिए गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की जान फायर अराटामा की वजह से ही गई थी। अभी यहाँ पर जिंगी और युकियो डिसाइड करते हैं कि वो जाकर उसकी मदद करेंगे और दूसरी तरफ मकीतो ये बात इबुकी को बताता है, जिससे कि वो भी सही सिचुएशन पर वहां पर पहुंच सके। अब दूसरी तरफ हम इबुकी को देखते हैं जो कि अभी किसी से बात कर रहा था कि आइलैंड पर पिछले इंसिडेंट से एक बहुत बड़ा डेंजर होते होते बच गया, लेकिन आगे भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए उन्हें इवैक्यूएशन के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि इबुकी के हिसाब से जल्दी आइलैंड पर कोई बड़ा खतरा अपीयर होगा। अब तभी यहाँ पर इबुकी को एक कॉल आता है जो कि मकीतो का था। वो बताता है कि सिटी में एक फायर अराटामा अपीयर हुआ है, जिसके बाद अब इबुकी तुरंत ही वहां से निकल गया था उस जगह पर पहुंचने के लिए। अगले सीन में हम युकियो और जिंगी को देखते हैं जो कि अभी इबारा का पीछा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ घर दिखते हैं जिनमें आग लगी हुई थी, जहां पर लोग अभी भी बीच में फंसे थे। इसी वजह से यहां पर जिंगी उन लोगों को बचाने का डिसाइड करता है
और युकियो से कहता है कि वो आगे जाकर इबारा को रोके, इसीलिए युकियो आगे बढ़ गया था। दूसरी तरफ हम इबारा को देखते हैं जो कि उस फायर अराटामा के पास पहुंच चुकी थी। वो अराटामा दिखने में बहुत ही खतरनाक था, लेकिन फिर भी यहाँ पर इबारा हार नहीं मानती। वो तुरंत ही उस पर हमला करना शुरू कर देती है। लड़ते वक्त उसे अपने पेरेंट्स के सीन दिखाई दे रहे थे जिस दिन वो मारे गए थे, इसी वजह से वो और ज्यादा मोटिवेशन के साथ अराटामा पर हमला कर रही थी। पर वो अराटामा अपने हाथ को आगे करते हुए उसके हर एक अटैक को ब्लॉक करते जा रहा था। वो अराटामा अपनी बहुत ही ज्यादा मैसिव एनर्जी के साथ यहाँ पर इबारा पर हमला करता है और इबारा उसके अटैक से बच नहीं सकती थी, लेकिन तभी युकियो सामने आते हुए वाटर शील्ड क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से उस अराटामा का अटैक रुक गया था। यहाँ भी इबारा को युकियो के अंदर इबुकी दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस दिन उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी तब इबुकी वहां पर आ गया था उन्हें बचाने के लिए। हालांकि वो थोड़ा सा लेट हो गया था जिस वजह से इबारा के पेरेंट्स नहीं बच पाए। अब यहाँ पर वो अराटामा युकियो के ऊपर फिर से हमला करने लगा था, जिन्हें युकियो अपने उसी शील्ड की मदद से रोकते जा रहा था। हालांकि इसके बाद अब वो खुद भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस अराटामा को इससे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता। ये देखते हुए युकियो अभी इबारा से कह रहा था कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अब तभी वहां पर हारू के वो दोनों स्टूडेंट आ जाते हैं। अभी उसी दौरान अराटामा ने फिर से बहुत ही पावरफुल हमला यहाँ उनकी तरफ कर दिया था। युकियो की शील्ड सामने थी जिस वजह से उसका अटैक रुक जाता है, मगर हम देखते हैं कि युकियो उसके अटैक को रोक नहीं रहा था बल्कि मैनिपुलेट करते हुए अलग डायरेक्शन में भेज रहा था, जिससे युकियो को बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही थी। पर वो जानता था कि वो इतनी आसानी से इसे नहीं हरा सकता, इस वजह से वो उन तीनों को कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। पर इस पर इबारा मना करती और कहती है कि अगर वो लोग यहाँ से भागते हैं तो ऐसे में ये अराटामा उनका पीछा करेगा और फिर ये टाउन के बीच में आ जाएगा, जिससे कि बाकी लोग जो कि यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। उसकी बात बिल्कुल सही थी। अब इसके बाद यहाँ इबारा ने जंप करते हुए उस अराटामा पर हमला करना शुरू कर दिया था। उसके पास लाइटनिंग पावर्स थी जिस वजह से वो अराटामा को अच्छा खासा डैमेज आ रहा था, पर अभी वो लाइटनिंग पावर थोड़ी कम थी। यहाँ पर वो युकियो से ये भी कह रही थी कि वो भी सेम टाइम पर उसकी मदद करे, जिसके बाद युकियो अपनी वाटर पावर का इस्तेमाल करता है। वो अराटामा एक फायर टाइप का है, इस वजह से वाटर का उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और उसके बॉडी पर जो फ्लेम्स थी वो बुझ जाती है, लेकिन ऐसा ज्यादा देर के लिए नहीं था और बहुत जल्द वापस से वो फ्लेम्स अपीयर हो जाती है। अब यहाँ पर युकियो और इबारा दोनों मिलकर हमला कर रहे थे, जिसके बाद युकियो हारू के उन दोनों स्टूडेंट से भी हेल्प करने को कहता है और वो भी यहाँ पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक के पास विंड मैजिक की पावर थी। अब ये सब मिलकर हमला कर रहे थे जिस वजह से उस अराटामा को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो किस पर हमला करे, और कुछ ही देर में अब फाइनली ये लोग उसे प्यूरिफाई कर देते हैं। अब वो लोग इसके लिए सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि उसी दौरान वहां पर तीन बड़े बड़े स्टोन आकर गिरते हैं। ये फायर स्टोन थे जो कि अब सीधा ही फायर अराटामा में इवॉल्व हो जाते हैं, और हमें जानने को मिलता है कि ये फोर्थ आइलैंड से आए हैं जहां पर वो ड्रैगन रहते हैं। अब यहां पर वो ये भी समझ गए थे कि इनका वो मुकाबला नहीं कर सकते। इबारा कहती है कि मैं अकेले यहां पर रुकती हूं, तुम लोग भाग जाओ और किसी को बुला कर लाओ। अब वो लोग वहां से भागे इसके पहले ही अचानक से एक अराटामा इनके आसपास फायर बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसका मतलब अब ये लोग वहां से भाग नहीं सकते, इसी वजह से अब इन्हें लड़ना होगा। युकियो समझ गया था कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो अपनी डीप एनर्जी को महसूस करना शुरू करता है। उसकी आंखें ग्लो कर रही थी और अब उसकी पूरी पावर यहाँ अनलीस होने वाली थी। उसी दौरान वहां पर हारू और इबुकी आ जाते हैं। यहाँ पर हारू एक अराटामा को आते ही प्योरीफाई कर देता है, और वहीं इबुकी ने भी एक अराटामा को पिस्टल से खत्म कर दिया था। दूसरे अराटामा पर ये दोनों मिलकर हमला करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद जब इबुकी उस अराटामा की आंखों को निकालते हुए उसके ब्लड को पीने वाला था तभी हारू उसे प्योरीफाई कर देता है। अब इस चीज पर यहाँ इबुकी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर हारू कहता है कि तुम ही सोचो कि अगर हमारे मास्टर यानी कि माकोतो यहाँ पर होते तो क्या वो ये चीज देखकर खुश होते कि तुम ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो। इस पर इबुकी कहता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास्टर इसीलिए मारे गए थे क्योंकि हम लोग तब कमजोर थे, अगर उस वक्त हम ताकतवर होते तो वो मारे नहीं जाते। अब तभी हम देखते हैं कि वो अराटामा फिर से खड़ा हो गया था और वो यहाँ पर इन पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी हारू अपने विंड मैजिक से उसके कुछ पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पर उस अराटामा बीस्ट की जो आंख थी वो नीचे गिर गई थी। अभी इबुकी उसे लेकर उसके ब्लड को कंज्यूम करने वाला था, पर तभी हारू से रोक देता है और अब वो दोनों में लड़ाई शुरू हो गई थी वहां पर, जिस दौरान जिंगी वहां पर आता है और छुपकर उस आंख को प्योरीफाई कर देता है। इसके बाद अब वो युकियो के पास आ गया था। यहाँ पर आने के बाद वो उन दोनों से कहता है कि उन्हें शर्म नहीं आ रही, वो अपने स्टूडेंट के सामने लड़ रहे हैं। ये सुनकर अब वो रुक जाते हैं,
यहाँ पर अभी भी हारू का यही मानना था कि इबुकी को ब्लैक मैजिक का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज मकोतो को बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर इबुकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अब वो दोनों ही वहाँ से चले गए थे। हम देखते हैं कि अभी बाद में इबारा, युकियो और हारू के वो दोनों स्टूडेंट मिलते हैं और उनकी एज लगभग सेम थी, इसीलिए यहाँ पर इबारा युकियो को अपना नंबर दे रही थी जिससे कि वो कॉन्टेक्ट में रह सके। अब वैसे तो हारू के वो दोनों स्टूडेंट्स और इबुकी के स्टूडेंट इबारा इनके बीच में ज्यादा बनती नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पर दोस्ती कर लेते हैं और चारों अपना नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए एक ग्रुप बना लेते हैं। अब जब युकियो वहाँ से वापस आ गया था तो वो मोमोको से इस बारे में बात करता है कि आखिर हारू और इबुकी के बीच में हुआ क्या था। मोमोको कहती है कि उसे ज्यादा अच्छे से तो ये चीज पता नहीं, लेकिन जब मकोतो की डेथ हुई थी तब उसके बाद ये दोनों इस आइलैंड पर गए जहाँ मकोतो की बॉडी मिली, और उसके बाद से ही इबुकी ने डिसाइड किया कि वो मकोतो की सिखाई हुई चीजों को छोड़कर अपनी एक अलग जर्नी चुनेगा जिससे कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सके और फायर ड्रैगन को अगली बार आने से रोक सके। लेकिन कुछ टाइम बाद इबुकी फिर से लौट आया था, लेकिन उसने अपने पाथ बदल लिए थे जिस वजह से हारू और इबुकी के बीच में आपस में कभी नहीं बनी और नॉर्मल सिचुएशन अब सामने है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी जिंगी बैठा हुआ था और दूसरी तरफ अगले रूम में युकियो सो रहा था। तभी युकियो को वही ड्रीम आती है जो कि उसे वहां स्कूल में आया करता था। अभी वो पानी के अंदर था। वैसे इस तरह का ड्रीम उसे बहुत दिनों के बाद आया था, इसीलिए वो थोड़ा सा हैरान भी था। अभी पानी के अंदर वो नॉर्मली रहता है और इसके बाद उसे होश आ जाता है, लेकिन आज उसे कोई मिस्टीरियस एनर्जी अपनी तरफ खींच रही थी जिस वजह से वो हड़बड़ा जाता है और पानी से ऊपर आने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। तभी हम उस मिस्टीरियस एनर्जी को देखते हैं जहां पर एक आंख अपीयर होती है जो कि एक अराटामा की थी। युकियो उसे देखकर डर गया था, लेकिन तभी वहां पर जिंगी आता और उसे जगाता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर युकियो कहता है कि कुछ नहीं, बस ये एक नॉर्मल सा ड्रीम था। मगर जिंगी नोटिस करता है कि युकियो की जो आंख थी वो बहुत ही लाइट ब्लू कलर में ग्लो कर रही थी। अब उसी दौरान युकियो को एक मैसेज आता है जो कि उसके दोस्त की तरफ से था। असल में आइलैंड पर एक फेस्टिवल हो रहा है जो कि बहुत समय में होता है, इस वजह से वो लोग वहां पर जाने वाले थे और वो वहां पर युकियो को इनवाइट कर रहे हैं। वो जिंगी को इस बारे में बताता है तो जिंगी यहाँ युकियो को मकाटो का मास्क देता है और कहता है कि वो इसी मास्क को पहनकर जाए क्योंकि इस फेस्टिवल में सभी लोग को मास्क पहनना कंपलसरी होता है। अगले सीन में युकियो अब वहां पर फेस्टिवल में आ चुका था। यहाँ पर आकर वो अपने दोस्तों से मिलता है, लेकिन कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो फोर्थ आइलैंड पर बना हुआ वोल्केनो इरप्ट करना शुरू कर गया था। इसका मतलब फायर ड्रैगन को फिर से गुस्सा आ गया है और अब 10 साल के बाद वो फिर से जाग चुका है सभी पर हमला करने के लिए। सभी लोग बहुत डर गए थे। अगले दिन सुबह वो सभी लोग तैयारी कर लेते हैं कि उन्हें इस आइलैंड को छोड़ना होगा और किसी दूसरे आइलैंड पर जाना होगा जो कि सेफ हो। अभी जब वो जा रहे थे तो इस तरफ हम हारू को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट के साथ था और युकियो से मिलता है। अभी हारू बताता है कि ये सब वही हो रहा है जो 10 साल पहले हुआ था, लेकिन इस पर युकियो थोड़ा हैरान था। वो पूछता है कि जब उसके फादर ने सेक्रीफाइस करते हुए सभी को बचा लिया था तो ये सब फिर से क्यों हो रहा है। इस पर हारू बताता है कि आज से 15 साल पहले जब फायर ड्रैगन सो रहा था और वाटर ड्रैगन कमजोर पड़ गया था, तब युकियो के फादर यानी कि मकोतो ने फायर ड्रैगन की ले एनर्जी को एक पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर दिया था, और हारू के हिसाब से वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि युकियो ही है। लेकिन युकियो को इस पर यकीन नहीं होता। वैसे हारू भी कह रहा था कि अभी उसे पूरी तरह से तो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन फिर वो अपना हाथ आगे करते हुए युकियो से अपने हाथ पर हाथ रखने को कहता है, और जब वो ऐसा करता है तो हारू उसकी जो ले एनर्जी है उसे महसूस कर पा रहा था। उसे पता चलता है कि ये एनर्जी कितनी ज्यादा मैसिव है और इससे वो समझ जाता है कि युकियो ही असल में वाटर ड्रैगन है। लेकिन अभी तक उसने अपनी पूरी पावर को अवेकन नहीं किया है, इसका मतलब अभी वो कुछ भी कर नहीं सकता। हारू उससे कहता है कि देखो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहले तो ये कि तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करो और कुछ सालों में खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि फिर तुम वापस से वाटर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सको, और दूसरा रास्ता ये है कि हम एक रिचुअल परफॉर्म करें जिससे कि तुम्हारी जो बॉडी है वो ले एनर्जी में कन्वर्ट होकर वाटर ड्रैगन को समन कर देगी। लेकिन यहाँ पर हारू को वो पहला वाला रास्ता यानी कि ट्रेनिंग वाला रास्ता ज्यादा सही लगता है, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। युकियो इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। वैसे अभी उसी फायर ड्रैगन को रोकने के लिए हारू को सीधा वहीं पर जाना होगा, इसीलिए वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि वो लोग जिंगी के साथ और युकियो के साथ यहाँ से सीधा मेनलैंड जहाँ पर युकियो पढ़ाई के लिए गया था वहाँ पर जाए और अपने साथ मोमोको को भी ले जाए। अब वो बहुत ज़्यादा उदास थे। वो कहते हैं कि हमें भी आपके साथ आना है, लेकिन इस पर हारू उन्हें मना कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारू वहाँ फायर ड्रैगन के पास पहुँच चुका था जहाँ अभी फायर ड्रैगन पूरी तरह से अवेकन नहीं हुआ था।
इसीलिए हारू तुरंत ही अपनी पावर से वहाँ उस वोल्केनो के ऊपर एक बैरियर क्रिएट करने लगा था। हालांकि ये सब करने में उसे खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मकोटो की तरह ही। तभी वहाँ पर इबुकी भी आ जाता और कहता है कि ऐसा मैं करूँगा। अब दोनों में इसी चीज पर बहस हो रही थी कि आखिर उन दोनों में से सेक्रीफाइस कौन करेगा। लेकिन तब तक फायर ड्रैगन जाग जाता और बाहर आ जाता है। अब ये देखते हुए यहाँ पर इबुकी ने तुरंत ही अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करते हुए आराटामा में बदल लिया था, जिसके बाद वो हमला करना शुरू कर देता और उसके अटैक बहुत ही ज्यादा यूजफुल नहीं थे, इसीलिए अभी हारू भी मदद कर रहा था। पर उन दोनों की पावर मिलकर भी उस फायर ड्रैगन को रोक नहीं पाती। वैसे तो उन दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो मिलकर लड़ेंगे, लेकिन ऐसा करने का कोई फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि इससे अब वो दोनों थकने लगे थे। तभी फायर ड्रैगन इबुकी के ऊपर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है, जो देखते हुए हारू अभी उसके पास आता है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन अब वो ड्रैगन फिर से उनके ऊपर हमला करने लगा था, पर तभी युकियो और बाकी सारे स्टूडेंट वहां पर आकर उस फायर ड्रैगन के अटैक को रोक लेते हैं। लेकिन इस चीज से हारू और इबुकी दोनों ही बिल्कुल खुश नहीं थे। उनके हिसाब से इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था, इस वजह से वो लोग साथ में मिलकर फाइट करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उनके साथ में होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो ड्रैगन बिल्कुल भी थक नहीं रहा था। ये देखते हुए अब हारू अपने मास्टर यानी कि माकोतो की एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है और उस ड्रैगन को वो चेन से बांध लेता है। लेकिन हारू की एनर्जी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो उस ड्रैगन को ज्यादा देर तक संभाल सके, इस वजह से कुछ ही देर में वो ड्रैगन फिर से आजाद हो चुका था। दूसरी तरफ हम इबुकी को देखते हैं, जो कि सिचुएशन को देखते हुए खुद को पूरी तरह से एक अराटामा में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिससे उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। और अब वो हारू की मदद लेते हुए उस फायर ड्रैगन पर हमला करना शुरू कर दिया था। हालांकि अभी भी इससे वो ड्रैगन नहीं हार रहा था, लेकिन फिर भी बाकी स्टूडेंट को अभी रेस्ट करने का टाइम मिल चुका था। हम देखते हैं कि तभी वहां पर जिंगी की एंट्री होती है, जो कि युकियो से आकर पूछता है कि क्या उसे उसकी वाटर ड्रैगन की पावर वापस चाहिए, जिस पर युकियो हाँ करता है। तो यहाँ पर जिंगी अनाउंस करता है कि वो उस रिचुअल को परफॉर्म करने वाला है, जिसके बाद युकियो के पास वाटर ड्रैगन की पावर वापस से आ जाएंगी। यहाँ ये बात जिंगी जानता था कि वो मरने वाला है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। और अब वो उस रिचुअल को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से युकियो और जिंगी दोनों ही ले एनर्जी की स्पिरिचुअल रियल में आ चुके थे। यहाँ पर आने के बाद अभी वो देखते हैं कि वो एक स्टोन के ऊपर थे। वो देखते हैं कि नीचे ले एनर्जी की बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स बह रहा है। अभी युकियो पूछता है कि अगर हम ऐसा पहले कर सकते थे तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया, जिस पर जिंगी कहता है कि वो उसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा करने की वजह से उसकी जान जाने वाली है। युकियो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन जिंगी कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से कूदना होगा, क्योंकि आइलैंड और बाकी लोगों को बचाने का बस एक ही रास्ता है। अभी युकियो नीचे देखता है तो उसे डर लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर है और नीचे वो ले एनर्जी बहुत ही स्पीड के साथ बह रही है। तभी जिंगी उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। यहाँ पर वो युकियो का हाथ पकड़ता और सीधा ऊपर से कूद जाता है। हम देखते हैं कि अब वो पानी में जाते जा रहे थे। यहाँ पर जाने के बाद उन्हें सामने वाटर ड्रैगन सोया हुआ मिलता है। वहां पर युकियो की बॉडी जैसे ही वाटर ड्रैगन के पास आती है तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से अभी युकियो को अपने बचपन की वो सारी मेमोरीज दिखाई दे रही थी, जिसमें वो अपने फादर यानी कि मकोतो को देख पा रहा था। इस तरफ जब वो नॉर्मल वर्ल्ड में आता है तो देखता है कि जिंगी की लाइफलेस बॉडी नीचे पड़ी हुई है। इसके बाद यहाँ पर युकियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से वाटर वेव जनरेट करता है और अपने रियल वाटर ड्रैगन रूप में आ जाता है। यहाँ पर अभी जो पानी फैल रहा था उसे देखते हुए बाकी सभी वहां से दूर हट गए थे और अब उन्हें सामने वाटर ड्रैगन और फायर ड्रैगन दोनों की लड़ाई देखने को मिलती है। ये लड़ाई जीत के लिए नहीं थी, बल्कि वाटर ड्रैगन के ना होने की वजह से फायर ड्रैगन गुस्से में है। इसी वजह से युकियो अभी बस उसे शांत करने के लिए उससे लड़ रहा था। जब वो किसी तरह से फायर ड्रैगन को रोक लेता है तब वो उससे कहता है कि अब उसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ। ये सुनकर फायर ड्रैगन धीरे धीरे अब शांत होने लगता है। इसके बाद अब वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ये लड़ाई यहीं पर रुक जाती है। जो ले एनर्जी थी उसका जो फोर्स था वो भी न्यूट्रल हो चुका था, जो देखकर सभी हैरान थे। और फाइनली अब वो शांति से सांस ले सकते थे। जब युकियो वापस से अपने नॉर्मल बॉडी में आता है तो वो सीधा यहाँ जिंगी के पास आता है, लेकिन जिंगी अब जिंदा नहीं था। ये देखकर युकियो को एक बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी जिंगी का फ्यूनरल चल रहा था और युकियो अपने कमरे में था। वो तब से अपने कमरे में ही बंद है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा है। उसके दोस्त को भी उसकी चिंता हो रही थी, साथ ही उन्हें अभी इस चीज का भी बुरा लग रहा था कि जिंगी उन्हें छोड़कर चला गया, जबकि उसकी उम्र भी कितनी कम थी। अभी वो भले ही जिंगी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जिंगी का कैरेक्टर इस टाइप का था, वो किसी से ज्यादा अच्छे से बात नहीं करता था और उसके ज्यादा ऐसे दोस्त भी नहीं थे,
वो अपनी दुनिया में ही मस्त था, लेकिन यही सारी चीजें उसे खास भी बनाती थी, इसीलिए वो दुखी थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मोमो को युकियो के पास आती है और उससे कहती है कि उसे आखिरी बार जिंगिस से मिल लेना चाहिए, लेकिन युकियो वहाँ नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अभी सिर्फ खुद को ही कोस रहा है। वो कहता है कि अगर वो स्ट्रांग होता तो जिंगी को कभी भी उसकी वाटर ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करने के लिए खुद की जान नहीं देनी पड़ती, लेकिन इस चीज पर मोमो को उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सच में कोई दूसरा रास्ता होता तो जिंगी कभी भी ये चीज नहीं चुनता। वैसे भी उसके पास सोचने के लिए बहुत टाइम था, पर उसने ये चुना, इसका मतलब यही लास्ट ऑप्शन था। अब युकियो बात मान लेता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक छोटी अराटामा, जो कि डेंजर नहीं होते, वो वहां से उड़ते हुए सीधा उसी रूम की तरफ जा रही थी जहां पर जिंगी है। युकियो उस अराटामा के पीछे आता है। यहाँ अभी वो मेयर से मिलता है। मेयर अभी बहुत ही ज्यादा उदास थे। वो यहाँ पर युकियो से कहते हैं कि तुमने पूरे आइलैंड को बचा लिया, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि इस चीज में तुमने अपने एक और फैमिली मेंबर की जान गंवा दी। युकियो उनकी बातों को समझ रहा था, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अब इसके बाद मेयर वहां से चले जाते हैं, जिससे कि युकियो अकेले में जिंगी के साथ कुछ बात कर सके। युकियो वहीं पर बैठ जाता है। अभी वो बहुत उदास था, लेकिन उसे गुस्सा भी उतना ही ज्यादा आ रहा था। वो जिंगी की कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि उसे उठना होगा, वो ऐसे युकियो के ऊपर कर्स डालकर नहीं मर सकता। अभी जब वो ऐसा कर रहा था, तभी अचानक से वो अपने आप को ले एनर्जी रेल्म में पाता है, जहां पर वो देखता है कि बहुत ही ज्यादा ले एनर्जी फ्लो कर रही है और उसी के बीच में एक बड़ा सा गोल्डन पूल लगा हुआ है। उस पूल के पास ही उसे पकड़े हुए जिंगी खड़ा हुआ था। जिंगी यहाँ पर युकियो को मदद के लिए बुला रहा था। युकियो को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, और उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि जिंगी यहाँ पर क्या कर रहा है। हालांकि अब जब तक उसे समझ में आता, तब तक जिंगी वहां उस ले एनर्जी के पूल में गिर चुका था और उसके बहाव के साथ वो बहने लगा था। अभी इतनी ज्यादा ले एनर्जी में उसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। और दूसरी बुरी चीज ये है कि युकियो की सिर्फ स्पिरिट यहाँ पर आई है, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। अब वो नॉर्मल टाइम में वापस आ जाता है, जहां पर वो समझ गया था कि उसे क्या करना है। वो यहाँ पर मोमो को और मेयर से कहता है कि वो हारू और इबुकी को जाकर बता दे कि हम अभी भी जिंगी को बचा सकते हैं। इसके बाद अब युकियो वहां से भाग गया था। वो भागते हुए जाकर वाटर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होता है और सीधा फोर्थ आइलैंड पर जाकर उस वोल्केनो के अंदर जंप कर देता है, जिसकी वजह से वोल्केनो पर लगा हुआ वो बैरियर टूट चुका था और अब युकियो की बॉडी रियल ले एनर्जी रेल में आ चुकी थी। यहाँ पर वो देख रहा था कि वो जिंगी को कहाँ ढूंढे, लेकिन वहां पर बहुत एनर्जी थी जिस वजह से जिंगी को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। मगर वो हार नहीं मानता, वो घूमता रहता है। कुछ देर के बाद उसे अपने ही फादर यानी कि माकोतो की सोल मिलती है। वो ये देखकर बहुत ही हैरान था। पहले तो वो उसे पहचाना ही नहीं था, लेकिन माकोतो उसे देखते ही पहचान गया था। वो उसे अपने बारे में बताता है, जो सुनकर युकियो हैरान हो जाता है। वहां पर वो बहुत बातें करते हैं, जहां पर माकोतो बताता है कि उसने 10 साल के लिए युकियो को वहां मेनलैंड, मतलब कि उस स्कूल वाली जगह पर इसीलिए भेजा था, जिससे कि युकियो कुछ सीख सके और उसे ये समझ में आ सके कि नॉर्मल ह्यूमन किस तरह से अपना जीवन बिताते हैं, क्योंकि यहाँ आइलैंड पर ये चीजें समझ पाना नामुमकिन था। अब कुछ देर तक बात करने के बाद युकियो यहाँ पर जिंगी के बारे में बताता है और कहता है कि वो यहाँ जिंगी को ढूंढने आया है, क्या उसमें माकोतो उसकी मदद कर सकता है। जिस पर माकोतो कहता है कि बिल्कुल, जब जिंगी की सोल यहाँ पर आई थी, तभी उसने एक फॉर्मेशन टाइप टेक्निक का यूज करके उसकी सोल पर कुछ पार्टिकल्स लगा दिए थे, जिनसे माकोतो को पता चल सकता है कि आखिर जिंगी कहाँ पर है। अब इसके बाद वो दोनों ही वहां से निकल पड़ते हैं जिंगी को ढूंढने के लिए। अभी रास्ते में युकियो को तकलीफ हो रही थी, लेकिन माकोतो को बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही थी, क्योंकि वो 10 साल से यहाँ पर रह रहा है, जिस वजह से उसे यहाँ रेल में आसपास जाना बहुत आसान लगता है। वैसे एक और बात कि अगर जिंगी यहाँ पर रहा तो वो ले एनर्जी में बदल जाएगा, लेकिन 10 साल से माकोतो ले एनर्जी में इसीलिए नहीं बदला क्योंकि वो फायर ड्रैगन को रोकना चाहता था, जिस वजह से उसने खुद को ले एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होने दिया। अब यहाँ पर वो दोनों जब आगे बढ़ रहे थे, तभी दूसरी तरफ हम वहाँ बाहर इबुकी को देखते हैं। बाकी सभी भी ये चीजें समझ चुके थे कि युकियो वाटर ड्रैगन बनकर फोर्थ आइलैंड की तरफ निकल गया है, इसीलिए अब ये लोग भी सीधा उसी डायरेक्शन में निकल जाते हैं। वहां उस आइलैंड पर पहुंचने के बाद हारू अभी एक कनेक्शन फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से एक पोर्टल ओपन होता है जो कि अभी वहां ले एनर्जी रेल में कनेक्ट था। वैसे उसे ऐसा इसीलिए करना पड़ा क्योंकि वोल्केनो के ऊपर से वो फॉर्मेशन हट गया है जो कि उस वोल्केनो को ले एनर्जी से कनेक्ट करता था। इसका मतलब युकियो नॉर्मली वहां से बाहर नहीं आ सकता। दूसरी तरफ अभी हम युकियो को देखते हैं, जो कि माकोतो के साथ वहां ले एनर्जी के बीच जिंगी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर के बाद उन्हें जिंगी ले एनर्जी में डूबता हुआ दिखता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए उसे बचा लेते हैं। अभी युकियो यहाँ जिंगी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। जिंगी भी अपने मास्टर यानी कि माकोतो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश और हैरान भी था।
अब इन्हें वापस लौटना था, लेकिन क्योंकि फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है जिस वजह से ये उस फॉर्मेशन के थ्रू वापस नहीं निकल सकते। पर तभी युकियो को वहाँ दूर एक तारा चमकते हुए दिखता है। वो समझ गए थे कि जरूर ये बाहर के लिए रास्ता है। भले ही युकियो को नहीं पता कि ये हारू ने क्रिएट किया है, लेकिन वो समझ गया था क्योंकि वही वहाँ सबसे अजीब चीज थी। अब जब वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं तो मकातो यहाँ युकियो और जिंगी से कहता है कि अब तुम दोनों को ही फायर ड्रैगन को संभालना है, मेरा काम अब यहीं पूरा होता है। और इसके बाद वो उन दोनों को ही बाई कहते हुए ले एनर्जी में कंबाइन हो जाते हैं और ये दोनों वहां से निकल पड़ते हैं सीधा उसी पोर्टल की तरफ। अब जब वो यहाँ पर एक पोर्टल के पास पहुंच गए थे तो तभी इबुकी वहां से अपने हाथ को अराटामा में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ाता है जिससे कि वो युकियो और जिंगी को बाहर निकाल सके। लेकिन युकियो का हाथ फिसल जाता और वो पीछे की तरफ गिर जाता है जिस वजह से वो अचानक से एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच गया था जहां पर फायर ड्रैगन की सोल मौजूद थी। यहां पर वो सोल नहीं चाहती थी कि युकियो फिर से उसे छोड़कर जाए, लेकिन युकियो उसे समझाता है कि अब वो वाटर ड्रैगन होने के साथ साथ एक ह्यूमन भी है जिस वजह से उसे अपनी लाइफ एक ह्यूमन की तरह भी कंटिन्यू रखनी होगी। वो फायर ड्रैगन को समझाता है कि वो जल्दी वापस लौट कर आएगा, जिस पर फायर ड्रैगन मान जाता और उसे जाने देता है। अभी युकियो वापस से वहां ले एनर्जी रेल में आ चुका था जहां पर फिर से एक बार इबुकी हाथ आगे बढ़ाता है और ये लोग हाथ पकड़ लेते हैं और वहां से बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि जिंगी उसके साथ नहीं है, क्योंकि असल में वो जिंगी की सोल थी इसलिए वो जिंगी की बॉडी में जा चुकी थी। पर जब वहाँ जिंगी की बॉडी में उसकी सोल आती है और जब वो उठता है तो ये देखकर मोमोको और मेयर दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान थे। और अब जिंगी उठते ही सबसे पहले यही कहता है कि उसे बियर पीनी है। वहीं दूसरी तरफ युकियो खुश होते हुए सभी से पहले माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से वो सभी चिंता कर रहे थे, लेकिन सभी बहुत ही ज्यादा खुश भी थे और वैसे भी उसी की वजह से जिंगी की जान जो बची थी। अभी यहाँ पर हारू और इबुकी नोटिस करते हैं कि उन दोनों को ही जिंगी की बहुत ज्यादा चिंता थी और युकियो को भी, इस वजह से वो दोनों ही समझ गए थे कि वो अपने परिवार की चिंता करते हैं और उन्हें अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो बिल्कुल भाई की तरह थे, इसी वजह से अब वो अपनी दुश्मनी भुला लेते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम बाद इबुकी ने अब ब्लैक मैजिक का यूज करना भी छोड़ दिया था और वो वापस से मकाटो के सिखाए हुए रास्ते पर आ गया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि युकियो इबारा और हारू के वो दोनों स्टूडेंट अब मेनलैंड में जा चुके हैं। यहाँ पर वो अब स्कूल में पढ़ेंगे और ग्रेजुएशन करेंगे। और इसी के साथ ये एनिमे सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।